कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम आ चुके हैं करोल बाग में। देखो, करोल बाग इसलिए फेमस है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको, तो यूपीएससी का हब माना जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हम टॉप टॉप के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, सारे एक्सप्लोर करेंगे। आज अंदर जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर, टीचर्स और यहाँ पे टॉपर जो थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पे एमबीएस खासकर हम रेंट जानेंगे, पीजी का रेंट कितना कितना है, अभी सब पता लगाएंगे। तो देखो इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो में नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और थोड़ा चल तो एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं थोड़ा और आगे। ऑलरेडी हम दो कोचिंग में जा चुके हैं तो इसके बारे में बताता हूँ, एंड में बताऊँगा सारा चीज़। पहले हम एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ, तो हम चलो आगे चलते हैं। बाजीराम और रवि से आ चुके हैं। देखो यहाँ पे, देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से, और यहाँ पे फीस है 1,65,000। और ऑनलाइन कोर्सेज का भी देख लो, वही से स्टार्ट हो रहा है और 45,000 है, डिफरेंसेज है 20,000 का डिफरेंसेज है। सी साइड की कोचिंग लेनी है तो उसके लिए भी 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 19,000 है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट देख लीजिए आप, कॉमर्स है, पब्लिक एडमिशन है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सब कुछ है। यहाँ पे डिटेल्स बताया जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्ट हो चुकी है, 700 रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है बाकी कॉलेज, बाकी इंस्टीट्यूट और इसमें भी। तो अभी हम और चलते हैं कहाँ, चाहल अकेडमी चलते हैं, वहाँ पे बताते हैं आपको क्या क्या सीन है वहाँ का। तो चलो तो हम आ चुके हैं। देखो चाहल अकेडमी में से अभी आ गए हैं। चाहल अकेडमी का सीन देखोगे तो ऑनलाइन यहाँ पे देखो 1 ईयर का जो है बैच होगा वो 1,40,000 का है, और 2 साल का है 1,80,000, और 3 साल का है 220, ठीक है। अनलिमिटेड भी लाइफ टाइम दिखा रहे हैं, बताने क्या है ये सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन लेने तो जो इसी के चाहल अकेडमी के बच्चे होंगे उनके लिए 35,000 है, और जो बाहर आउटसाइडर्स होंगे उनके लिए 45,000 है। तो यही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये रहे शुभम कुमार, विजन आईएएस। तो यार विजन आईएएस तो आज बंद है, वो देखो, पर उसका क्रिसमस भी है। और पर इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है पता तुझे? 1,40,000-1,50,000 अराउंड ही होगा। 140 या 150 के अराउंड ही होगा अभी। और यहाँ पे इसी रेंज में है लगभग, सारे फीस इसी रेंज में है सबके। 40,000-10,000-20,000 का डिफरेंस हो गई, क्योंकि आपको जब आओगे खुद ही बदल जाएगा। और बाकी टीचर्स पे डिपेंड करता है। विजन ऐसे कोई टीचर है तगड़ा सा? विजन ऐसे पता नहीं, वैसे सारे वहाँ वो कौन से छह गए मेरे यहाँ विवाद झा सर है, अवधोजा सर हैं। हाँ तो ये देखो परमार सर है, तो वहीं पे जाते हैं अभी, देखते हैं कैसा है नेक्स्ट टाइम। अभी देखो यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट लेवल में तो नेक्स्ट टाइम से चल रहा है आगे, डिस्ट्री और नेक्स्ट टाइम बहुत आगे चल रहे हैं, तो वही कवर करें। लास्ट बचे डिस्ट्री और नेक्स्ट टाइम बचे, उसको दिखाते हैं क्योंकि वही मेन है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस। ये ऑल इंडिया रैंक 23 है PSIR ऑप्शनल में। तो देखो पर पॉलिटी में इनसे बेटर, अगर आप पॉलिटी ऑप्शन करना तो इनसे बेटर तो कोई नहीं है भाई। तो ये सारे सुब्रत रंजन के हैं जो कि निकाले हैं। देखो इन लोगों ने तो अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो सुब्रत रंजन के इससे अच्छा तो कोई नहीं मिलेगा, राजशंकर आईएएस। पर यहाँ हम नहीं जा रहे क्योंकि हम आपको सिर्फ टॉप की दिखा रहे हैं। शंकर आईएएस भी अच्छा है। ये बाजू का नया खुला है क्या? ऑनलाइन ही होता है, खुला है ऑफिस है। अच्छा, टीहरी श्रीराम आईएएस की बिल्डिंग और गाड़ी ने कवर कर रहा है। तो यहाँ का भी वही है, 1,40,000 की फीस है, और सबके बैच स्टार्ट होने वाले हैं अभी, इसलिए यहाँ पे भीड़। अभी देखो नए नए एस्पिरेंट आ रहे हैं कॉलेज पास करके,
हाँ छोटे छोटे हब है वो, इधर एक आईएएस का कोई थोड़ा सा वो था कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और देख रहे हो कार वो अंदर, ये सब आईएएस ये पैसे है एजुकेशन में पैसे है। ये कोचिंग स्टूडेंट जितना पैसा कमाया वो अंडरग्राउंड में यहाँ लगा दिया, ये सब हमारे पैसों के बाद। तो यहाँ से देखो पूरा ORN स्टार्ट होता है, ओल्ड राजेंद्र नगर, पूरा ये एम्बियंस यहाँ का एरिया पूरा देखो, ये पूसा रोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेट्रो के नियर बाई है, यहाँ पे सारी बुक GS की सारी ऑप्शनल की बुक सारी मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ऐसा कोई बुक नहीं होगा ना। हाँ तो यहाँ ना यहाँ पे करोल बाग, अच्छा करोल बाग में, मतलब इसी एरिया में। हाँ। ये भी ओल्ड राजेंद्र नगर में आता है। हाँ। सारी बुक मिल जाएगी यहाँ पे आपको। यहाँ एडवर्टाइजमेंट लेवल देख रहे हो, कहीं भी शॉप छोटी छोटी शॉप में भी देखो, हर जगह IAS। तो ये देखो ये जो पूरा एरिया है ना उसको बोलते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, हम ओल्ड राजेंद्र नगर में ही है। यहाँ पे PGs बहुत महंगे हैं, कम से कम कितना है यहाँ का PG? 10,000 सिंगल रूम के लिए है। और वहाँ पे अपोजिट है जो गफ्फार मार्केट के साइड वाले PG है वो मिल जाएंगे आपको 7-7.5 में मिल जाएंगे, 7-10K में मिल जाता है यहाँ पे सब कुछ, पर वही एडवांस और सिक्योरिटी तो स्टार्टिंग में देना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ PG का ये सही है, और ब्रोकर के थ्रू ही लेना पड़ता है, अगर आपको टूलेट तो यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, और आगे हम चलते हैं दृष्टि आया जा रहे अभी हम। पूरा होटल की तरह बना रखा है अंदर से, एडवर्टाइजमेंट से समझेगा कितना पैसा आ रहा है अंदर। पर जो अंडरग्राउंड है, पर यहाँ पे करोल बाग में इंग्लिश का है, इंग्लिश कोर्स के लिए अवेलेबल है, हिंदी के लिए आपको मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा। और बाकी फीस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, देखो 130,000 है मतलब, और सी साइड के लिए 25,000 का, ऑप्शनल के लिए 50,000-40,000 वही है, वन टाइम फीस इंस्टॉलमेंट सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, बैंक डिटेल भी दे दी इन लोगों ने देखो अपनी, और बाकी सब कुछ प्लस सबके सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, या वीडियो पॉज कर सकते हो। बाकी देखो ठीक है सब बढ़िया ही है यहाँ पे, पर यहाँ पे हिंदी का नहीं है, हिंदी के लिए आपको मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा, मैं बता चुका आपको। अब लास्ट चलते हैं नेक्स्ट IAS, जो कि इसका कोचिंग सेंटर है, पर यही बताएगा आपको कितना, क्योंकि बंदा जो पढ़ा है वही बता पाएगा ना कि कैसा पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। और मेन है कि नेक्स्ट IAS में सारे फैकल्टी के अच्छे अच्छे टीचर वहीं जाके बस गए हैं, पता नहीं क्यों बसे, देखते हैं वहीं जाके। अब वो 2000 सारे वहीं पे, चलो चलते हैं। पर हाँ यहाँ पे आप जानते होंगे कौन 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 से टीचर यहाँ पे फेवरेट हैं आपके, विकास द्विवेदी दृष्टि सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे यूट्यूब में इतनी बार दिखाई होगा आपने। तो चलो चलते आगे, पूरा एम्बियंसी ऐसा रहता है देखो, आप सारे स्टूडेंट घूमते देखो, माहौल ही बन रखा है। जब भी आप करोल बाग में एंट्री मारोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो माहौल ही ऐसा बन रखा है कि UPSC का चल रहा है सबको। देखो आगे आओ, और यहाँ से हर इंसान अपने आप को, हाँ यहाँ से हर एक इंसान अपने आपको IAS समझेगा, याद रखना। ये भी नेक्स्ट IAS से पढ़ता है, तो ये नेक्स्ट IAS जाएंगे तो इससे इंक्वायरी करेंगे कि क्या वहाँ का क्या क्या है, और आपको दिखाते हैं वहाँ का एम्बियंस माहौल सब कुछ। देखो नेक्स्ट IAS ने जो प्रोवाइड किए हैं टॉपर्स, शुभम कुमार, जागृति अवस्थी, ये सारे यहीं के हैं। इन लोगों ने टॉप मारा है, कोई कोई बैच मतलब कोई कुछ ना कुछ GS लिया होगा, कुछ ना कुछ लिया होगा। ये बंदा में आया था, ये हैदराबाद। तो यहाँ पे क्या सीन है ना कि एक्चुअली सारे जो मेन फैकल्टीज थे ना अभी ट्रांसफर होकर नेक्स्ट IAS में आ चुके हैं। तो जैसे कि हमारे आतिश माथुर सर हैं जो कि पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, फिर विवाह झा सर हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कपूरिया सर हैं वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, फिर वर्ल्ड फेमस आप जानते होंगे अवध ओझा सर, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास हमारा यहीं पे लेते हैं वो। उसके बाद और अयाज खान सर हैं हमारे जो कि साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं। तो इसलिए क्या है ना कि विवाह झा सर वर्ल्ड फेमस इसलिए है ना क्योंकि कपूरिया सर भी फेमस थे पहले, पर अब क्या सीन है ना कि उनका पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा ओल्ड फैशन है। तो आज के जैसे हम लोग के जनरेशन के लोग हैं ना
उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए विवाद सर जो है ना वो आज की जनरेशन के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो मज़ा आता है पढ़ने में। और भी टीचर है वो आज की जनरेशन के पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। और जो कोचिंग आजकल पॉपुलर इसलिए हो गया है ना, क्योंकि यहाँ जो एडुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं ना, वो एडुकेशन आपको स्कूल्स और कहते हैं कॉलेजेस में नहीं मिल पाते हैं। इनका जो पैटर्न है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको एडुकेशन में ना पूरा इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको पसंद आए तो आप देखिएगा। और फीस कितनी आ गई? यहाँ का फीस है 1,45,000 है। सी सेट कराते हैं लोग? सी सेट के लिए 29,000 है। और ऑप्शनल? और ऑप्शनल का, ऑप्शनल यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये पहले IES की कोचिंग देते थे। मेड इजी जो है ना इसका मदर ब्रांच है, तो अब ये रिसेंटली इस फील्ड में आया IES की कोचिंग देने में, तो इसलिए अभी स्टार्ट ही किया इन्होंने। पर बहुत अच्छा पैटर्न है, वीकली टेस्ट होता है यहाँ पे, मंथली मैगजीन्स मिलते हैं, वीकली करेंट अफेयर्स मिलते हैं आपको, एक आपका अपना कहते हैं गाइडर होता है, उसका नंबर सब कुछ होता है आपके पास, वो कंटिन्यू गाइड करते हैं। आंसर राइटिंग आपको वीकली हर वीक में कराते हैं। तो अभी इन्होंने नया पैटर्न स्टार्ट किया है, तो लेट्स सी। अभी तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, जहाँ तक मैंने अभी तक कोचिंग किया, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था, तो अभी ज़्यादा अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे को, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चली जो कि मुझे एक्चुअली में नहीं पता। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। और देखो जित करोल बाग के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ना, मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो फीस हो जो भी हो। और आपको फिर भी थोड़ा भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप डालना, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी देखो 1-1.5 लाख यहाँ पे फीस है ही, और थोड़ा सी सेट के लिए अलग होता है, ऑप्शनल के लिए अलग होता है। तो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी आपको क्वेरी, फिर भी क्वेरी कुछ रह जाए इस वीडियो में, ठीक है, वैसे तो आपको कुछ बचा नहीं होगा, फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय।